स्कूल के बाहर हंगामा और नारेबाजी। ये टोहाना के गांव हैदरवाला के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। इनकी नाराजगी की वजह है स्कूल के हिंदी टीचर का तबादला। शिक्षा विभाग ने हिंदी के टीचर का तबादला कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों ने स्कूल के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। स्कूल के बच्चों का कहना है कि हिंदी के टीचर का ट्रांसफर होने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आज यहाँ पे हमारे कुलवंत सर की बदली हो गई है, हम बस यही चाहते हैं कि उन्हें वापस ला दिया जाए। हमारा कोई और मकसद नहीं है, और यहाँ के बुजुर्ग उन्हें गंदा बोल रहे हैं। अगर हम यह सब कर रहे हैं और हमारी कोई हेल्प भी नहीं करना चाह रहा, उल्टा हमें सभी कह रहे हैं अभी ऐसा मत करो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे आए। हमें वो अच्छे लगते थे, हमें अच्छा पढ़ाते थे, डिसिप्लिन अच्छा था। और उनके अगर वो आ जाएंगे, अगर वो आ जाएंगे तो हम भी स्कूल में जाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। हेड अध्यापक ने बच्चों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्कूल के बाहर हंगामे की खबर मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि जल्द ही नए अध्यापक की नियुक्ति कर दी जाएगी, तब कहीं जाकर बच्चों ने नारेबाजी को बंद किया। हमें जैसे ही पता लगा तो हम हैदरवाला गाँव में पहुँचे और हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि भाई पॉलिसी के तहत ट्रांसफर होते हैं। बच्चों को कहा बेटे आप अंदर चलें, वो टीचर दोबारा नहीं आ सकते, आपको 3 की बजाय 5 टीचर मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं, तो आप स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को समझाया और लिखित रूप में ऊपर अधिकारियों को आश्वासन देके भेज दिया है और बच्चे हमारे कहने पर अंदर आ गए। शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी का हवाला दे रहा है, वहीं बच्चे अपनी पढ़ाई के नुकसान होने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक नए अध्यापक की नियुक्ति हो पाती है। R9 TV के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।